आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की है, जो लगभग 182 मीटर यानी कि 597 फीट की है। इसके बनाने में कुल लागत $420 मिलियन यानी कि लगभग 3000 करोड़ रुपये लगा। लेकिन ऐसा क्यों, क्या खास था सरदार वल्लभ भाई पटेल में, उन्होंने क्या किया था? हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ द वैदिक विद्यालय। आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनका पूरा नाम वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 के बॉम्बे के नादियाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल था तथा इनकी माता का नाम लोधा भाई पटेल। पटेल जो शुरुआती दिनों में स्कूल पैदल चल के जाया करते थे, वह मीलों तक पैदल चलते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए नाई का भी काम किया। उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th बोर्ड 22 साल की उम्र में पास किए। ये उम्र बहुत बड़ी होती है, तो उनका सपना लॉयर बनने का था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए पैसे बचाने शुरू किए और लॉयर बनने का सपना को पूरा करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने सेल्फ स्टडी यानी दूसरे वकीलों से किताबें लाकर कर्ज पे और इस पर पढ़ने लगे। और कुछ सालों बाद अपनी सेविंग के दम पर वे लॉयर बन गए। इसके बाद वो एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल के पहले चेयरमैन बने, जो कि आज का जीवर भाई दाजी भाई पटेल एच स्कूल है। स्वतंत्रता क्रांति के समय वो गांव-गांव जाते थे तथा लोगों को सपोर्ट करने के लिए तरसते थे कि ताकि विद्रोह बढ़ सके और भारत आज़ाद हो सके। उन्होंने गांव-गांव जाकर सभी लोगों को प्रोत्साहन दिया कि वह ब्रिटिश को टैक्स ना दें जिससे कि उन्हें घाटा हो जाए। और जब ब्रिटिश ने इन्हें रेड मारने पर मजबूर किया तथा इनकी ज़मीन हड़पने लगी, तो या उन्हें छिपने में मदद किए, लेकिन क्रांति जारी रखी। वे गांव-गांव घूमते रहे, लेकिन बहुत सारे विलेजर यानी कि ग्रामवासी पकड़े गए, लेकिन उन्होंने यह रोका नहीं और लगातार काम करते रहे। किसी तरह वो पुलिस के हत्थे नहीं चले, जिससे गांव वालों की नज़र में उनकी इज्जत बढ़ गई और 1920 को वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। 1920 से 1945 तक वो इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सहायता की, जिसमें वो लगभग 3 लाख सदस्य को जोड़े तथा 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख रुपए इकट्ठा करवाए। तब के समय में यह रकम बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के गिरफ्तार होने पर 1923 के नागपुर सत्याग्रह में शामिल हुए। उन्होंने सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट का समर्थन किया तथा वह 49वें प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि 1934 से 1937 तक रहे। इसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जीत और बरौली के संघर्ष के बाद हुआ उसमें जीत हासिल के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिल गई। इसके बाद ब्रिटिश ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त 1942 को जब वो गिरफ्तार हुए तथा 15 जून 1945 वह गिरफ्तार रहे। ब्रिटिश मिशन के दौरान भारत को 2 भागों में बांटने की योजना चल रही थी, जो कि धर्म के आधार पर थी। भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्हें पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि वह इन्हीं स्टेट्स को भारत में मिलाए। उन्होंने 552 स्टेट्स को भारत में मिला लिया। वे भारत के बिस्मार्क भी कहलाते हैं, इसलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन यह बहुत आसान नहीं था। उनको 3 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने में बहुत दिक्कत हुई, जो कि था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। जूनागढ़ के नवाब शाहनवाज भुट्टा, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ में 80% हिंदू थे, इसलिए उन्होंने जब वोटिंग कराई तो 99.5% लोगों ने कहा कि वह भारत में मिलना चाहते हैं। इसके बाद हैदराबाद की बारी आती है। हैदराबाद की उस समय का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, जो कि लगभग UK से भी बड़ा है। वहाँ के लोग इंडिया से मिलना चाहते थे। सरदार पटेल ने उन्हें इसमें मदद की तथा उन्हें भारत में मिला लिया। और तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया था।
इस हमले के कारण वहां के नवाब ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना ने वहां घुसकर पाकिस्तान की सेना को भगा दिया था। जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा बन गया, जिसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान आज भी लिए हुए है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैन यूनिफाइड इंडिया भी कहते हैं। और जब भारत आज हुआ तो वह डिप्टी पीएम के रूप और गृह मंत्री के रूप में 1947 से 1950 तक रहे। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई, जिस वक्त वो 75 साल के थे। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। इनकी कुछ किताबें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनी सरदार वल्लभ भाई पटेल, द सरदार ऑफ इंडिया बायोग्राफी ऑफ वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल मैन यूनाइटेड इंडिया आदि। इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिर्फ एक छोटी सी जीवनी दी गई है। उनका असली जीवनी बहुत विशाल है, जो कि एक छोटे से वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। थैंक्स।